तो अभी यहाँ पर काव्या और निराली दादी और रामभे मासी है। तो अभी हम सब जा रहे हैं, जो ये स्वीट बांटने जाते हैं, मुंह मीठा कराने जाते हैं कि हमारे घर पे बेटा हुआ है, तो उसके लिए अभी हम जा रहे हैं। और अभी पापा आए हैं जो कि घर पे नहीं थे, दूसरी जगह पे, एक जगह पे वार थी तो वहाँ पर गए थे, तो अभी आए हैं पापा भी। और यहाँ पर है ओम, यहाँ पर है ओम, हाय ओम। और अभी भारती फुई भी यहाँ पर आए हैं, भारती फुई ने भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन लिया है, पूजा ने भी, सब में सब ने पहना है। तो अभी हम निकल रहे हैं वहाँ पर जाने के लिए। अभी जा रहे हैं हम जो स्वीट सबको देने के लिए जाते हैं, जो जामुन माता जी का मंदिर है किंदखेड़ा में, जो महर समाज है वहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी हमने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है, हमारी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर बहुत शोर हो रहा है। नहीं, यहाँ पे कुछ भी आवाज़ नहीं है। चलो बोलो, फौरन को व्लॉगिंग करवाती हूँ, खुद का व्लॉगिंग करने का टाइम आता है तो बस थोड़ा। हाँ, पर मैं भी व्लॉगिंग तो करती हूँ। ओम इधर आ जाओ, ओम भी ट्रेडिशनल ड्रेस में है ना। हाँ। और अभी यहाँ पर है मयूर, साजन मामा का बेटा और जेता काका। तो अभी मीठा मुंह करवाने के लिए इसमें शुगर डाल रहे हैं, शक्कर, जो कि अभी एक दो बोरी डाल दी है और अभी और डाल रहे हैं ट्रैक्टर में। नीचे फ्लोरिंग और उसके नीचे गद्दे रखे हैं। तो अभी यहाँ पर है भारती फुई और वो सब, उन सब ने भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है। और अभी यहाँ पर चार पांच बोरी तो डाल दी है, अभी एक दो और डाल देंगे वापिस, और फिर जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे डालते जाएंगे ये शक्कर, क्योंकि यहाँ पर फिर बैठना भी है तो थोड़ी सी जगह रखनी पड़ेगी, तो इसलिए ज़्यादा नहीं डाल रहे सारी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर साइड में सब लोग बैठेंगे, जो भी शुगर देंगे सबको वो सब। और यहाँ पर है पर्वत मामा, पापा और जयमल मामा। जयमल मामा पास है, थोड़ा सा मुंह दिख रहा होगा आपको क्योंकि पापा खड़े हैं पास में। तो अभी यहाँ पर सब लोग बैठ गए हैं, पूरे गांव की महिलाएं अभी आएंगी मुंह मीठा करवाने के लिए सबका, तो इसलिए। तो अभी यहाँ पर गिग्याई, देव काकी, मीनाफुई, भारतीफुई, देवीफुई और वो सब बैठे हैं, जो कि ये मुंह मीठा करवाएंगी जो भी महिलाएं आएंगी उनका। ये किंदरखेड़ा के जो महिलाएं हैं वही आएंगी। तो अभी यहाँ पर है निराल काविया, बहुत ही क्यूट लग रही है अभी, और अभी हंस रही है वो भी। तो अभी यहाँ पर है जयमल मामा, पूजा मम्मी और जेते काका और रामभी मासी और जयमल मामा, निराली के पापा और मीनाफुई अभी ऊपर बैठे हैं यहाँ पर।
देवी फुई के पास बैठे हैं वो है मीना फुई। और यहाँ पर पूरे गांव के जो भी वाल मीठा मुंह करवाने आते हैं वो सब यहीं पर आते हैं। तो अभी वो सब भी आए हैं और अभी तक जो गांव की महिलाएं होती हैं वो आई नहीं है, अभी आएंगी। तो अभी आएंगे जो भी महिलाएं ये मीठा मुंह करवाने के लिए आती हैं। वो बहुत सारे ट्रैक्टर आए हैं ये मीठा मुंह करवाने के लिए। तो अभी यहाँ पर सारी महिलाएं आने लगी है मुंह मीठा करवाने के लिए और सबको घर पे ले जाने के लिए भी ये देते हैं खांड शुगर। गर्मी नहीं हो रही, पानी बहुत ज्यादा पी रही। तो अभी यहाँ पर ओम भी आया है ऊपर देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं ये सब। तो भी यहाँ पर रामभियाई आई है गिग्याई का मुंह मीठा करवाने के लिए। और रामभियाई गिग्याई की और दादी की दोनों की बहन होते हैं। वे गिग्याई और नानी एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर है ध्रुव और देवू काकी की बहन और पूजा, ये है देवू काकी की बहन। तो अभी यहाँ पर ध्रुव पूजा के पास है और अभी पता नहीं क्या कर रहा है, वो दूसरी तरफ ही देख रहा है, इस तरफ नहीं देख रहा। तो अभी पापा ने अपने हाथ में खांड ले ली है शुगर, पता नहीं किसी का मुंह मीठा करवाने लगता है चंद्र का काई का या पहले पहले तो पर्वत मामा को ही सीधा मुंह मीठा करवा रहे हैं, लेकिन पर्वत मामा को पता है कि ज़्यादा खिलाएंगे, इसलिए पर्वत मामा कह रहे हैं कि कम खिलाओ, इसलिए कह रहे हैं कि अपने हाथ से खा लूँगा, मुझो में चिपक गई। और अभी पर्वत मामा ने भी पापा का मुंह मीठा करवा दिया है। चंद्रका की बारी, चंद्रका कह रहे हैं कि मैंने मुँह में अपनी ये और अभी जयमल मामा ने चेतका को पकड़ा है मुंह मीठा करवाने के लिए। और अभी पापा जयमल मामा को खिला के भाग गए, पापा को पता था कि मेरे को पकड़ के खिलाएंगे इसलिए, लेकिन वापस खिला देंगे वो तो जयमल मामा भी।